हाय गाइस वेलकम बैक वंस अगेन मैं कपिल का दिन साइंस गुरु जी तो आज बात करने वाले हैं हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं तो आज हमने आपके लिए एन बुक ही रखी है सामने क्योंकि एन के माध्यम से ही आपको बताने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्योंकि बेसिकली जो आपका पेपर बनता है क्लास टेंथ के अंदर वो सारा एन बेस्ड होता है और बच्चे एन के क्वेश्चन को मिस कर देते हैं तो आज हमारा जो मेन मोटिव है आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो पूरी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले देखो जो हमारे केमिस्ट्री के बेसिकली क्या है वन से लेकर फाइव चैप्टर तक हैं तो कम्प्लीट हम जो चैप्टर करने हैं हमने वन टू फाइव तो हमारा सबसे पहले यदि बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सेकेंड एसिड बेस एंड सोल्ट है थर्ड हमारा मेटल नॉन मेटल है और फोर्थ हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और यदि बात करें लास्ट चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेबल एंड जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है तो ये प्रॉपर है यदि हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर के अंदर यदि बात करते हैं बच्चों इसके अंदर देखो सबसे पहले कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो ये केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में हम सबसे पहले यदि बात करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके अंदर देखो ये सबसे पहले तो इसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है हमें डेफिनेशन किसकी दे रखी है बच्चों यहाँ पर कि एक एक्टिविटी है सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये इस टाइप से तो सबसे पहले यदि बात करें इसके अंदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो यहाँ से बनता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है केमिकल रिएक्शंस की देखो भाई इसमें चेंज ऑफ स्टेट्स होती है चेंज ऑफ कलर्स होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है और चेंज इन टेम्परेचर होता है उसके बाद यदि बात करें बच्चे इसके अंदर सिंपल डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज़ ए केमिकल इक्वेशन क्या होती है अब केमिकल इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो केमिकल इक्वेशन का ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है ये पहरा इसके अंदर केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है और कैसे केमिकल इक्वेशन को आपने डाउन करना है और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देखिए इसका फॉर्मेशन ऑफ है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन करनी है जो सिंबल को रिप्रेजेंट करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर तो उसको आप केमिकल इक्वेशन बोलते हैं अब इसके अंदर बेसिकली लेफ्ट साइड में आपको पता ही ये रिएक्टेंट होते हैं ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं तो इसको आपने अच्छी तरीके से लर्न करना है केमिकल इक्वेशन को यदि बच्चों बात करते हैं इसके अंदर बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट टॉपिक को ये हमारा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये क्यों की जाती है किस लोग के ऊपर एप्लीकेबल होती है तो ये बैलेंस करनी आपको आनी चाहिए ये इसका एक बिल्कुल ट्रिक्स बहुत आसान सा एक वे दिया गया है और बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी वीडियो के अंदर भी तो कैसे बैलेंस किया जाता है हमने इक्वल करने हैं दोनों साइड्स के अंदर रिएक्टेंट साइड्स के अंदर भी और प्रोडक्ट साइड के अंदर जितने भी इसके अंदर मोलिक्यूल्स और आइटम प्रजेंट करते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड दिया गया है आपने नंबर कैलकुलेट करने लेफ्ट साइड के अंदर नंबर कैलकुलेट करने आपने राइट साइड के अंदर दोनों को इक्वल अमाउंट्स के अंदर डालना है जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए एप्लीकेबल होती है यदि बच्चों बात करें इसके अंदर देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है इसका को जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगर्सली विद वाटर टू प्रोड्यूस एस लाइम कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ पानी के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है स्लेक लाइम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है जिसको आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं अब इसी के बेस पर एक येलो बॉक्स दिया गया है इसी पेज के ऊपर तो ये पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद इन कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इस द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा वो क्वेश्चन बनता है कि रेस्पिरेशन एक् प्रोसेस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने लर्न कर लेना है क्योंकि जो भी हम फूड खाते हैं तो हमें क्या निकलती है हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और जो एनर्जी रिलीज होती है तो इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता पूछा जाता है और यदि बात करें उसके बाद एक्टिविटी की तो एक्टिविटी से पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन टू ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट इज हीटेड जैसे ही इसको हीट करते हैं देखिए तो फॉर्मेशन ऑफ ए फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू ग्राम ऑफ फेरासल्फेट के नाम से एक एक्टिविटी आती है जो इसको बिल्कुल यहाँ पर करके दिखाया भी गया है जो हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आती है उसके बाद यदि बच्चों बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी तीन टाइप की होती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये इसकी डेफिनेशन पड़ी है और इसका ये रिएक्शन है और ये एक्टिविटी बिल्कुल यहाँ पर पड़ी है एक लेड नाइट्रेट वाली ये भी एजिट इट इज़ है भाई जैसे टू ग्राम फेरासल्फेट किया था आपने ऐसे ही लेड नाइट्रेट अब ये लेड नाइट्रेट वाली एक्टिविटी यहाँ पर पड़ी है बहुत आ रहे डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये दोनों क्या हैं डम्पोजिशन ही रिएक्शन है तो ये कर लेना आपने कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बताए आपको सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन आनी चाहिए डी कम्पोजिशन रिएक्शन आनी चाहिए और इसकी एक्टिविटी है दो कि टू ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट और उसके बाद टू ग्राम ओपे लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं क्लियर हो गया और उसके बाद एक इलेक्ट्री ये की जो एक्टिविटी है एक्टिविटी जीरो पॉइंट सेवन यहाँ पर दे रखिए वन पॉइंट सेवन और ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिस से रिलेटेड और एक हमारी है इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड वाली कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में की जाती है दिस इज कॉल्ड इज ए डी रिएक्शन इसको भी हम क्या बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं उसके बाद यदि बच्चों बात करें इसके अंदर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से जो हमारा एन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट है सब स्टांस एक्स इज यूज फॉर ए वाइट वॉशिंग कौन सा यूज किया जाता है अभी मैंने येलो बॉक्स के अंदर बताया था आपको वो भी करना अपने बहुत ज़रूरी है उसके बाद यदि बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको प्रेसिपटेशन रिएक्शन भी कहते हैं इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है बोर्ड एग्जाम टू थाउजेंड के लिए उसके बाद बच्चों इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है रिडोक्स रिएक्शन और रिडोक्स रिएक्शन क्या बनती है भाई इसके अंदर ये लास्ट क्वेश्चन कि आपको ये बताना होता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है और उसके लिए पूरा आपने एक प्रोसेस करके दिखाना है तो उसके बाद बच्चों इसके अंदर जो क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ रेंसिडिटी रेंसिडिटी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो मार्क्स के लिए पर दो मार्क्स के क्वेश्चन आपके हट चुके हैं तो इसको तीन मार्क्स के लिए प्रिपेयर कीजिए कि रेंसिडिटी प्रोसेस क्या होता है जो हम एन क्वेश्चन की बात करें यदि एन सी आर क्वेश्चन के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर जो मैं आपको मैंशन कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर है आपका टेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर इलेवन ये क्वेश्चन की डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों होती है ये क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद बच्चों यदि बात करें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो सेवनटीन है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेम ऑफ द साइनी सब्स्टान साइनी सब्सटांस क्या होता है आपका कॉपर होता है जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम आर फ्लस्ड विद ए नाइट्रोजन क्यों फ्लस करते हैं इनको नाइट्रोजन के साथ उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जो अभी डिस्प्लेसमेंट रही डबल डिस्प्लेसमेंट करके आया व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो ये क्वेश्चन आपने कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन पार्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटो इलेक्ट्रिक है जो आपकी फोटोलिसिस बोलते हैं और प्लस उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाला तो ये तीनों क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्वेल्व क्वेश्चन तो बच्चों होपफुली आप सभी इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना भाई अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तो उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर एसिड बेस एंड सोल्ट के अंदर एसिड बेस और सोल्ट के अंदर बेसिकली आपको पता होना चाहिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि एसिड क्या होते हैं बेस क्या होते हैं तो ये जनरल टॉपिक यहाँ रखा है लेना है, तो एक्टिविटी है, एक्टिविटी है हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक करते हैं कि वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है ये एक्टिविटी कर लेनी आप सभी ने ठीक है ना उसके बाद यदि बच्चों बात करें इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है पेज नंबर ट्वेंटी से कि ऑन पासिंग ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्ड थ्रू इन द लाइम वाटर जब इसको आप लाइम वाटर के अंदर से पास करते हैं लिमिटेड अमाउंट्स के अंदर तो ये बनता है और यदि हम इसको एक्सेस अमाउंट्स के अंदर पास करें तो ये बनेगा ये थ्री मार्क्स के लिए क्वेश्चन को और इसकी जो रिएक्शन है बिल्कुल रट लेनी है आप सभी ने उसके बाद बच्चों बात करें इसकी कुछ क्वेश्चंस की जो इसकी मेटलिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि वट यू मीन बाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस को आपस में मिला देते हैं देखिए उसका फॉर्मेशन ऑफ किसकी फॉर्मेशन देते हैं वो सोल्ट प्लस वाटर की तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्लियर हो गया उसके बाद यदि बच्चों बात करें इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा एन है कि वाई शुड कार्ड एंड शोर सबस्टांस आर नॉट कैप्टीन ने ब्रास एंड कॉपर वैशल क्यों नहीं करते भाई क्योंकि वो पहले ही इकट्ठे होते हैं जैसे ही उनको हम उसके अंदर डालते हैं तो वो पॉइजनस से नेचर में आ जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी गैस लिबरेट होगी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी उसका टेस्ट देना है आपने जो मैंने आपको एक्टिविटी कराई थी अभी क्लियर हो गया उसके बाद बच्चों बात करें व्हाट विल हैपन एसिड एंड बेस इन ए वाटर सोल्यूशन दिस एक्टिविटी इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ये एक्टिविटी भी आपने बहुत जरूरी करनी है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोनियम आइन्स बनते हैं पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है नीचे प्लस आयंस की फॉर्मेशन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की मींस लाइक इज ए कैटाइन और एनाइंस इसके अंदर आनाइंस की फॉर्मेशन होगी उसके बाद यदि बच्चों बात करें इसके अंदर देखो भाई एक सिंपल डेफिनेशन वन मार्क्स के लिए कि व्हाट इज़ एल्कली क्या होता है कि डू यू नो वाले कॉन्सेप्ट में दे रखा है कि ऑल बेस डू नॉट डिजॉल्ड इन वाटर जो सभी बेस पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते पर एन इज द बेस दैट डिजोल्ड इन वाटर अल्कली क्या होता है कि जो बेस पानी के अंदर डिजोल्ड हो जाते हैं उनको आप क्या बोलते हो अल्कली बोलते हैं दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इसके अंदर एक दे रखा है फिगर जो 2.5 है एक्टिविटी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टू पॉइंट टेन अब इसमें एक प्रोसेस दे रखा है क्योंकि जैसे ही हम पानी के अंदर एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा एक्सप्लोजन होगा तो हम क्या करते हैं कि एसिड को पानी के अंदर ही मिलाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप और उनको ऐसे अच्छी तरह से स्टीयर कर लेते हैं ताकि कोई भी एक्सप्लोजन ना हो कोई एक्सीडेंटल फायर ना हो ठीक है तो ये इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और ये भी आपने पढ़ना है उसके बाद बच्चों बात करें इसके अंदर कि वाई डू द एच एसिड एच सी एल एसिड एच एन ओ थ्री इज एसिड करेक्ट इन एक्वा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाई ड्राई एच सी एल गैस डज नॉट ए कलर ऑफ लिटमस्ट क्योंकि ड्राई है ड्राई है तो एज पॉजिटिव आइंस नहीं करेगी आज पॉजिटिव आइंस नहीं करेगी तो ये कलर को चेंज नहीं करेगी उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव कि हाउ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइंस एच एन जो एच थ्री वो पॉजिटिव है इफेक्ट ऑन द सोल्यूशन ऑफ एसड इन डल्यूटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये उसके बाद बच्चों बात करें इसके अंदर भाई इम्पोटेंस ऑफ ए पी एच इन एवरी डे लाइफ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस आ सकती है पेपर के अंदर तो ये आप सभी ने अच्छे तरीके से लर्न कर लेनी है इंपॉर्टेंस ऑफ ए पी एच इन एवरीडे लाइफ क्योंकि लास्ट ईयर की यदि हम बात करें तो ये सेल्फ डिफेंस वाला आया था कि और कौन सा एसिड प्रेजेंट करता है इसके अंदर मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट करता है ये कोई भी रिपीट कर सकते हैं आप बार टू डिखिया आ सकता है हर बार क्वेश्चन इसमें से एक बन के आता है हर बार तो इसको आपने अच्छे तरीके से बच्चों कर लेना है उसके बाद भाई यदि बात करें इसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर हमारा इसके अंदर जो बनने वाला है व्हाट इज़ ए रॉक साल्ट ये रॉक साल्ट रहा हमारा ये क्वेश्चन भी काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है आपकी बार कि वट यू मीन बाय रॉक साल्ट क्या होता है तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है रॉक साल्ट क्या होता है इम्प्योरिटीज होती हैं एन एस सी एल के अंदर उसको रॉक साल्ट बोला जाता है मैं तो एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ, साथ में ताकि आपको पता लगाता रहे उसके बाद बच्चों कि वट यू मीन बाई सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज कॉल्ड इज़ ए एल्कली प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफ़िनेशन के साथ आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है ठीक है और इसमें यह पूछा जाता है कि कौन सी गैस कहाँ पर लिबरेट होती है जो कैथोड पे होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है एनोड पे जो होती है हमारी वो क्लोरीन गैस होती है तो इस प्रोसेस को भी आपने करना है यदि बात करें देखो इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन गैस है जो हमारी वो बेसिकली पास करते हैं हम किसके अंदर से स्लेक्लाइन के अंदर से तो वो प्रोड्यूस करेगी किसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर तो इनके सबके आपके यूजेस भी होने चाहिए तो ये पाँचों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से आपकी बार फाइव मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है उसके बाद यदि बात करें बच्चों इसके अंदर बेकिंग सोडा ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है थ्री मार्क्स के रूप में या फिर टू मार्क्स के रूप में कि टू ग्राम ऑफ ए क्या ले लिया यहाँ आप पर आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करोगे तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की तो इस क्वेश्चन को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से आपने करना है बच्चों ठीक है उसके बाद यदि बात करें इसके अंदर वाशिंग सोडा ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल सिंपल इनकी डेफिनेशन और इनकी रिएक्शन आपने याद होनी चाहिए आगे चलते हैं भाई इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्री मार्क्स के लिए तो ये डेफिनेशन पढ़ी है इसकी इस चैप्टर की यहाँ पर वट इज़ ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पैरिस तो ये भी आपने करना है प्लास्टर ऑफ पैरिस आपके बारे क्वेश्चन बन रहा है कि वट ड्यू मीन बाय डेड बरंट क्या होते हैं डेड बरंट प्लास्टर किसे कहते हैं यदि उसको ज़्यादा जला दिया जाता है 400 हंड्रेड कैलविन के टेम्परेचर के ऊपर से तो उसमें क्या बन जाता है वो डेड बरंट या एन हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाता है तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आप सभी के लिए तो उसके बाद यदि क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर टू नेम द सब्सटेंस द ट्रीट द क्लोरिन गैस एल्डी ने ब्लीचिंग पाउडर तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर उसके बाद क्वेश्चन नंबर चार जो अभी कराया था मैंने कि वट हैपन इज अ सोल्यूशन ऑफ़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो किस टाइप की इक्वेशन बनेगी ठीक है ना सोडियम कार्बोनेट बनेगा वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी क्लियर हो गया बच्चों उसके बाद यदि इसके भाई एन सी की बात करें एन सी क्वेश्चन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेवन सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सेवन कि वाई डज़ द डिस्टिल्ड वाटर नोट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करता ये क्या रीज़न है एच पॉजिटिव आइंस नहीं बनेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेश मिल्क हैज ए पी एच ओ पे सिक्स ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्लास्ट्रो पैरिस बी स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर क्यों रखते हैं इसको भाई ताकि ये ऑक्सीजन के साथ मोस्ट ना करे ठीक है इसलिए इसको हम टाइट कंटेनर के अंदर पैक करके रखते हैं तो ये क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी बात उसके बाद यदि बात करें मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट है चैप्टर थ्री मेटल क्या होते हैं जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं नॉन मेटल क्या होते हैं जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं अब सबसे पहले तो आपने इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका कम होता है अब इसके अंदर सिंपल सी एक डेफिनेशन दी गई है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की और नॉन मेटल के ऑल मेटल एक्सेप्ट इज ए सोलिड एट रूम टेम्परेचर ये आपने सारे करने हैं पेज नंबर हमारे थर्टी नाइन और फोर्टी पे है ये ठीक है तो इनको अच्छे तरीके से आपने सभी ने कर लेना है इज ए नॉन मेटल इज लस्टर्स होते हैं कार्बन इज ए नॉन मेटल होता है डिफरेंट फॉर्म इज़ ए इसके एलो होती है क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब इसके बेस पे क्वेश्चन दे रखा है आपने चाहे ये क्वेश्चन कर लेना क्वेश्चन नंबर वन गिव द एग्जांपल ऑफ ए मेटल फर्स्ट दे रखा है इसके अंदर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर कैन इजली कट विद नाइफ एंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड पोर कंडक्टर ऑफ ए हीट उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बार मीनिंग ऑफ ए मेलेबल एंड डक्टाइल तो ये तो क्लियर हो गया उसके बाद हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एम्पोटेरिक ऑक्साइड ये पढ़ा है आपका एम्पोटेरिक ऑक्साइड और ये इसके दोनों रिएक्शंस पड़ी हैं एम्पोटेरिक ऑक्साइड की जो रिएक्शन है दोनों ही को बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से करना है एम्पोटेरिक ऑक्साइड के अंदर बेसिकली दो टाइप के हम क्या लेते हैं ऑक्साइड लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं या फिर जिंक ऑक्साइड लेते हैं तो, तो दोनों के डेफिनेशन उसकी डेफिनेशन एम्पोटैरिक ऑक्साइड की क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं ठीक है ना जब एसिड और बेस के साथ करते हैं तो दोनों की रिएक्शन आपने करनी है उसके बाद बच्चों बात करें इसके अंदर कि वट डू मीन बाई एनोडाइजिंग प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर है समझ में आया उसके बाद बात करेंगे भाई अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वट विल हैपन द मेटल रिएक्ट विद वाटर जैसे ही मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ये पिछले साल आ चुका है पर अब की बार सिलेबस कुछ कट हुआ है तो कट होने की वजह से ये अब की बार भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कुछ मेटल पानी के साथ रिएक्ट करके सीधा मेटल ऑक्साइड बनाते हैं कुछ मेटल ऑक्साइड फिर पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं अब इसमें आपने देखना है कि कौन से मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कौन से किसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेज नंबर फोर्टी थ्री के ऊपर ठीक है ना उसके बाद बच्चों बात करेंगे इसके अंदर एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री क्या होता है भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसके अंदर दो एक्सेप्शनल केस है हमारे एम जी और एम एन ये भी ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए एक नंबर की डेफिनेशन के लिए एक्वा रीजिया ये इसको रॉयल वाटर कहते हैं तो ये किसका मिक्सचर है भाई ये कंसनट्रेटेड एच सी एल और एच एन ओ थ्री का है रेशो थ्री रेशो वन के अंदर क्लियर हो गया एक नंबर की डेफिनेशन फिर बता रहा हूं आपको रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन ये पड़ी है कि लिस्ट ऑफ मैटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन मार्क्स के लिए देखो अब उसके बाद एनसीआरटी क्वेश्चन मैं आपको दो चार क्वेश्चन बता देता हूँ इसके अंदर कि वाई शोडियम इस कैप्टीन कैरोसिन क्यों करते हैं भाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन की पानी के साथ रिएक्शन करनी है फिर इन किसी भी पानी के साथ रिएक्शन करनी है क्लियर हो गया उसके बाद बच्चों इसके अंदर भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ डोट स्ट्रक्चर डोट स्ट्रक्चर आपको ने जो करनी है यहाँ से करनी है क्वेश्चन नंबर वन की ठीक है ना क्वेश्चन नंबर वन की डोट स्ट्रक्चर आपने करनी है सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा तरीके से लर्न कर लेना है और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए आयनिक कंपाउंड ये क्वेश्चन बना पड़ा है कि वाई डू द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है क्लियर है ये क्वेश्चन भी ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बार उसके बाद आपका ये सिलेबस रिड्यूस हो गया या आपको करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना आपको सिर्फ कहाँ तक करना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए आइने कंपाउंड तक करना है अक्रेंस ऑफ मेटल आपका कट चुका है उसके बाद बच्चों एनसीआर टी की बात करें इसके अंदर एम्पोटे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको क्वेश्चन नंबर छठा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी बार ये जो क्वेश्चन नंबर आठ है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद यदि बात करें इसके अंदर कि क्वेश्चन नंबर इलेवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्साइड फॉर्म वेन मेट नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये भी आप सभी के लिए एक क्वेश्चन नंबर थर्टीन भाई ये नहीं छोड़ना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नहीं छोड़ना केमिकल प्रॉपर्टी का कंपैरिजन ऑफ ए मेटल और नॉन मेटल की क्लियर हो गया तो ये था हमारा चैप्टर थ्री अब उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर चार की कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर कि कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इसके अंदर सी फॉर पॉजिटिव और सी फॉर नेगेटिव ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सी फॉर नेगेटिव सी फॉर पॉजिटिव के नाम से पाँच मार्क्स में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर होपफुली आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लोगे भाई क्योंकि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है यहां पर तो दोनों को अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है ठीक है और उसके बाद इसके अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपने करनी है कि क्या होते हैं भाई कोवलेंट बॉन्ड तो इस चैप्टर इस पेज पर दे रखा है ये सारे फिगर आपने अच्छे तरीके से करने हैं ठीक है थीके? उसके बाद देखो बच्चों इसके अंदर जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर वन करना है आपने एन क्वेश्चन नंबर टू करना है ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डोट स्ट्रक्चर बनानी है पहले वाले के अंदर दूसरे वाले के अंदर भी डोट स्ट्रक्चर बनानी है पर ये किसका केस है ये सल्फर का है क्योंकि सल्फर के एट मोलिक्यूल ये तीन मार्क्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसके बाद भाई कार्बन हाइड्रेस कंपाउंड की बात करें तो इसके अंदर वर्स्टाइल नेचर वर्स्टाइल नेचर के अंदर क्या क्या आता है सबसे पहले यदि बात करें इसके अंदर टेट्रा वैलेंट होते हैं ये पॉइंट पड़ा है इसका सेकंड मल्टीपल बॉन्ड बनाता है ये ठीक है ना ये मल्टीपल बॉन्ड वाला है इसकी वैलेंसी चार होती है तो ये पेज नंबर सिक्सटी टू पे है वर्स्टाइल नेचर ऑफ ए कार्बन इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता बच्चों बड़े ध्यान से करना है आपने क्लियर है तो ये देखो भाई नेक्स्ट है हमारा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन क्या होते हैं मतलब सेच्यटेड का मतलब होता है कि जो सिंगल बॉन्ड

जिसको हम सीरीज़ को बोलेंगे इसके अंदर भाई होमोलोगस सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस दीअर्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये इसकी डेफिनेशन पड़ी है एंस द सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विच इज द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए हाइड्रोजन कार्बन चेनीज कॉल्ड इज ए होमोलोगस सीरीज तो उसको आप क्या बोलोगे होमोलोगस सीरीज बोल दोगे क्लियर हो गया तो ये तो इसके जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट उसके बाद आपने आगे कुछ नहीं करना क्योंकि आगे सारा आपका सिलेबस कट हुआ है चैप्टर चार के अंदर से तो अब बात बताता हूँ मैं क्वेश्चन की एन क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले इसके अंदर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर देखो भाई क्वेश्चन नंबर चार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ ए सी एस थ्री और सी एल उसके बाद ड्रो द डोट स्ट्रक्चर करनी है क्वेश्चन नंबर पाँच ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर जो मैं पीछे करा चुका हूँ अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है कुछ क्वेश्चन इसमें से कट भी हो चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर नाइन बस यही आपने करने हैं इसके अंदर ठीक है उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम प्रियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की अब प्रियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर यदि बात करते हैं इसके अंदर तो इसके अंदर आपने सारी लिमिटेशन करनी है सबसे पहले तो आपने डोबनर ट्रेड्स के बारे में पढ़ना है ये डोबनर ट्रेड्स का ये सारा फंक्शन है यहाँ पर लिखा पड़ा है इसी सारा अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है उसके बाद यदि बच्चों बात करें इसके अंदर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव ने क्या डिज़ाइन किया था एंड ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ एड्रोपेटोमिक मास तो ये क्वेश्चन इसका यहाँ पर बना पड़ा है ये क्वेश्चन आपने करना है पेज नंबर एटी वन के अंदर क्लियर हो गया आप दोनों की क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री जो एन सी आर टी क्वेश्चन है जो इन इंटेक्स के क्वेश्चन है ये करने हैं आपने क्योंकि इनकी लिमिटेशन पूछी जाती है पेपर के अंदर ठीक है क्लियर हो गया उसके बाद चलते हैं भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मैडलिव मैडलिव ने क्या अचीवमेंट किया ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैडलि वाला कि मैडलिव ने क्या क्या अचीवमेंट किया था देखो ये भी ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना क्योंकि उसने गैप छोड़ दिया था एक सिलिकॉन एक का, का बोरोन और इक्का एल्यूमिनियम के लिए उसके बाद इसकी फिर लिमिटेशन भी आपने करनी है क्योंकि इसकी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बारिश में से फाइव मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है लिमिटेशन ऑफ ए मैंडलीप मैंडलीव की जो लिमिटेशन थी वो क्या थी ठीक है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन देखो भाई क्वेश्चन नंबर टू इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थ्री इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सेपरेट ग्रुप क्यों छोड़ दिया था नोबल गैस के लिए क्लियर है तो ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद बच्चों बात करते हैं मॉडर्न की सबसे पहले इसके अंदर है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ठीक है उसके बाद पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ये बतानी है आपने पोजीशन क्या है उसकी और उसका मेटलिक करेक्टर क्या बताना है मेटलिक प्रॉपर्टीज़ क्या थी उसकी नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या थी और उसका एटॉमिक साइज ये सारे आपने जरूर करने हैं एक्टिविटी पाँच पॉइंट छः एक्टिविटी पाँच पॉइंट सात एक्टिविटी पाँच पॉइंट आठ एक्टिविटी पाँच पॉइंट नाइन और एक्टिविटी फाइव पॉइंट टेन ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद बच्चों इसके अंदर बात करें देखो सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर पाँच इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अब की बार सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए तो देखो इसके अंदर जो एन सी आर टी क्वेश्चन है इसके अंदर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है क्वेश्चन आपने कौन सा करना है इसके अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टेन कंपेयर करना है आपने कि कॉन्ट्रास्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट एंड मैंडली पीडिक टेबल एंड मेडरियल जो जो था मॉडर्न पेरोडिक लॉ दोनों को एक्सप्लेन करना है आपने ठीक है क्वेश्चन नंबर आठ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी बार होपफुली यदि आप अच्छे ये क्वेश्चन कर लेते हैं इन चैप्टरों के अंदर से और एन के माध्यम से ही आपका पेपर बनाया जाता है तो होपफुली आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं फिजिक्स की और बायोलॉजी की थैंक यू बाय